बसमर अल्लाम सऊदी अरब की अब तक की आम ख़बरों के साथ मैं हूँ आमिर शहज़ाद अगर आप भी सऊदी अरब के आला तो वाक़ा से बाखबर रहना है चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा बढ़ते हैं खबरों की जानब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर कोरोना के दौरान इकाा एक्सपायर हो गया नए वीज़े पर सऊदी अरब आया जा सकता है या नहीं सऊदी महकमे पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो वजारत दाखिला का ईली इदारा है कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में, में मुक्म गैर मुल्कियों केामे खरूज उदा और खरूज नहाय के इजरा का जिम्मेदार है मुमलिकत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मुल्क जाते हैं तो उन्हें फाइनल एग्जिट जिसे अरबी में खरूज नहाय कहा जाता है हासिल करना जरूरी होता है जबकि छुट्टी पर जाने के लिए खुरूज उहदा लेना होता है जब के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान छुट्टी पर वतन गया था एक्सपायर हो गया क्या दोबारा नए वीजे पर सऊदी अरब आया जा सकता है सवाल के जवाब में जवाजाद का कहना है कि कानून के मुताबिक वो तारकिन वतन जो कुरुजोदा पर जाकर मुकर्र वक्त पर वापस नहीं आते उन पर खरूज उदा की खिलाफ वर्जी खर्ज वलमयाद आयद कर दी जाती है ऐसे अफराद जिन पर खर्ज वलमियाद की ख़िलाफ़ वर्जी आयद की जाती है इन्हें सऊदी अरब के लिए तीन बरस तक के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है पाबंदी वाली मुद्दत के दौरान अगर ऐसे अफराद मुमलिकत आना चाहते हैं तो वो सिर्फ अपने सबक कफ़ील की जानब से जारी कराए गए नए वीज़े पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं इसके अलावा उन्हें ममनो मुदत के दौरान किसी दूसरे वीज़े पर आने की इजाज़त नहीं होती सऊदी अरब में मदूरों के हकूक खिलाफ वर्जी पर सजाएं क्या हैं सऊदी अरब में मददूरों के हकूक के कानून की तफसीत जारी की गई हैं जिससे उमुल कुर सरकारी गज़ट ने शाया किया है कानून में कहा गया है कि मदूरों के साथ नारवा सलूक काबिल सजा जुर्म है इस पर पांच लाख रियाल तक जुर्माना और दो बरस कैद की सज़ा हो सकती है मदूरों के हकूक के कानून के निगरान इदारे को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो मुतलका इदारों के तान से मज़ूरों का डेटा तैयार करे जिससे ज़रूरत पड़ने पर रजू करने के साथ उसकी मदद से माजूरों के लिए खिदमत का मैार बुलंद किया जा सके माजूरों के हकूक के कानून का मकसद सेहतमंद की तरह माजूरों के हकूक का तहफ और हकूक के हसूल को यकीनी बनाना है कानून में मददूरों के हवाले से बुनियादी जवाब दिए गए हैं इनके तहत सब लोगों पर पाबंदी है कि वो माजूरी की वजह से किसी भी शख्स के साथ इम्तियाजी रवैया ना अख्तियार करें दीगर लोगों की तरह माजूरों को मुसावाना मौाक़ मुहैया किए जाएँ कानून की मुख्त दफ़ात में मुख्तिक हवालों से माजूरों के हकूक बयान किए गए हैं कहा गया कि सेहत खिदमत का हसूल मजूरों का हक है दफा दस के मुताबिकों को किसी इम्तियाज के बगैर रोजगार और मुलाजमत का हक हासिल है कानून में छह दफ़ात ऐसी शामिल हैं जिनमें मजूरों के समाजी और इकतर किए गए हैं आठ दफ़ात में मजदूरों के साथ किसी भी किस्म के नारवा सलूक पर सजाओं का तयन किया गया है मजूरों के साथ जिसमानी यानी या मादी तशद या लापरवाही या हक़ ऐसी मैरूम बदसलूकी इस बेस बदलने पर सजाएं मुकर की गई है जिसमें दो बरस तक कैद या पांच लाख रियाल तक जुर्माने की सजा हो सकती है दोनों में से किसी एक सजा पर भी इकतफा किया जा सकता है हर 10 मिनट पर एक तलाक आलादगी की शरह क्यों बढ़ रही है सऊदी महकमा शुमारियात ने कहा है कि दो के दौरान ममलिकत में तलाक़ की शरह में रिकार्ड इजाफा हुआ है रोजाना की बुनियाद पर औसतन एक सौ अड़सठ तलाकें हुई हैं अक्काज अखबार के मुताबिक महकमा शुमारियात ने एदाद शुमार के हवाले से बताया है कि ममलिकत भर में हर घंटे पर सात तलाकें हुई हर दस मिनट पर एक तलाक का तनासब है महमा शुमारियात का कहना है कि दो हजार बाईस के आखिरी महीनों के दौरान सत्तर हजार पाँच सौ पचानवे तलाक जारी हुए 2019 के मुकाबले में बारह इशारिया सात फीसद इजाफा हुआ है की ममलिकत में तलाक की शराब में इजाफे का सबसे बड़ा जिम्मेदार नावाकफियत को इसकी वजह करार दिया है डॉक्टर खालिद ने जो समाजी और जैनी रहनमी के माहिर है कहा की मामला मिया बीवी की तक महदूद नहीं तलाक के असरा औलाद पर पड़ते हैं और उनकी शख्सियत टूट फूट का शिकार होती है डॉक्टर का कहना है की नए जोड़े रिश्ता की अहमियत से पूरी तरह वाकिफ नहीं होते उनकी पुख्तगी के फैसले में पीछा करने से भी तलाकें हो रही है सऊदी समाजी माहिर ने मजद कहा सोशल मीडिया पर ऐसे लोग जिन्हें खानदानी अमूर और रिश्ता खास मालूम नहीं और इस हवाले ऐसी फलसफाना गुफ्तु करके इसका सबब बन रहे हैं ये थी अब तक की आम खबरें अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त असल वरहमतुल्लाहि व